आज जो मेरा मेकअप होगा ना, सारा कुछ मैं बताऊंगी कैसे क्या हुआ, तो आप लोग पूरा ब्लॉग को देखना। तो ये है हमारा ब्लाउज और ये ज्वेलरी है और ये रहा हमारा चूड़ी और ये मैंने तो सारी दिखाए था आप लोगों को। जल्दी से रेडी होते हैं। तो अभी हमारा हेयर स्टाइल हो रहा है और मम्मी भी आई। मम्मी कैसा लग रहा है? बहुत ही सुंदर। ये हमारा पूरा लुक। अरे हाँ मम्मी और माँ दोनों खा रहे हैं। नहीं मामी दे, तो मामी जी खिला, हम खा ले। मामू मामी खिला, बाबू नहीं खिला। बोलो जिया, बोल तो बोलो जिया। नहीं नहीं, लड्डू बुला दो, लड्डू को, लड्डू को बुलाओ, अभी खाने में बिजी है ये। बोलो बोलो, तुम ही बोलो, कुछ बोलो। One hour later. तो अभी मैं नहा के आज की और क्रियाज पहले ही नहा लिया है। क्रियाज को नहा के मैं सुलाने की बहुत बार कोशिश की बट ये सोया नहीं और मुझे अभी रेडी होना है। तो आ चुकी है मुझे रेडी करने के लिए। तो आज पहला एक्सपीरियंस इनके साथ, तो देखते हैं कैसा रहता है हमारा एक्सपीरियंस, उसके बाद मैं आपको भी शेयर करूंगी। आज जो मेरा मेकअप होगा ना, सारा कुछ मैं बताऊंगी कैसे क्या हुआ, तो आप लोग पूरा ब्लॉग को देखना। तो ये है हमारा ब्लाउज और ये देख सकते हैं ये हमारी ज्वेलरी है। वैसे हमने ये डायमंड वाला सोचा था पहनने को बट मिला ही नहीं, बट कोई बात नहीं, जो है सही। और ये रहा हमारा चूड़ी और ये मैंने तो सारी दिखाए था आप लोगों को। तो जल्दी से रेडी होते हैं, यहाँ बैठी हुई है, कब आए कब रेडी करें, है ना। तो पूरी डिटेल मैं आप लोगों से शेयर करूंगी स्टेप बाय स्टेप, जिनमें हमारी हेल्प करेंगी ये। आपका नाम? संजना। संजना, तो संजना जी हेल्प करेंगी हमारी, तो स्टार्ट करते, नहीं तो लेट हो जाएगा। हाँ, ना बिल्कुल। रहा इनका पिटारा, इसमें की बहुत सारी चीजें हैं, अभी धीरे 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 पिटारा भी कर रहा है। बहुत सारी चीजें हैं। आप सिंगल मतलब आपका सिंगल मेकअप था ना, इसलिए हाँ, ट्रॉली नहीं लाया। हाँ हाँ, इससे कर लेते, हो जाएगा हो जाएगा। पता था घर आ रही हूँ तो हाँ, स्पेस का भी होता है ना। हाँ, वैसे ये रूम मैंने पूरा खाली करवा लिया है कि हाँ, कोई नहीं आएंगे। बाय पर्सन बहुत स्वीट हो मैम। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू। ये देख सकते बहुत सारी चीजें अभी निकलेगी। तो हमने चेंज कर लिया है और मेरे बाल भी अभी गीले हैं तो थोड़ा सा ड्राई कर लूँ। तो अभी क्या होने वाला है? अभी आपका आईब्रो सेटिंग होगा और CTMP होगा, स्किन प्रिपरेशन। ठीक है, ओके। सो ये मैं टोनर अप्लाई करने जा रही हूँ। मैम आईज क्लोज रखना। यहाँ मैं लगाने जा रही हूँ आपको मॉइस्चराइजर, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा। कोई कैमरा पकड़ने वाला है ही नहीं, मैं खुद ही कर रही हूँ। हाँ, मैं देख पा रही हूँ आपका स्ट्रगल, देख पा रही हूँ। मॉइस्चराइजर के बाद अभी आपका CTMP हो चुका है। हाँ, अब आईब्रो सेट कर रही हूँ। ओके, ऑलरेडी आपके आईब्रोज तो खैर बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ, ज्यादा वो जो है वही रखना। हाँ, तो आईब्रो हमारा अच्छे से हो गया और इसके बाद आप क्या यूज कर रही है? अब मैं कंसील करूंगी आपकी आईज, फिर आई मेकअप होगा। ओके, अब हमारा होने वाला आई मेकअप जो कि बहुत बहुत स्पेशल और देखती हूँ कैसा होता है। बिल्कुल। मैंने पहले बता दिया कि मुझे एकदम सिंपल सा चाहिए, ओवर नहीं चाहिए। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपका आई मेकअप अच्छा होता है ना तो सब कुछ अच्छा लगता है। और सबसे ज़्यादा मेहनत मुझे लगता है इसी में लगता है। मेहनत भी है, नहीं भी, आपका दिमाग तो खैर काफी लाइट मेकअप का है। हाँ, तो ज्यादा मेहनत वाला नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो मेहनत लगता ही है। हाँ, वही चीज़ है। ठीक है, आगे करते हैं कैसा होता है। मैम
एकदम फाइन ग्लिटर से तो ये हो गया हमारा आई मेकअप। अभी तो आपको पूरा फुल लुक नहीं पता चलेगा क्योंकि अभी आईलेसेस लगेंगे, लाइनर लगेगा, तब आप लोगों को पूरा अच्छे से आइडिया आएगा। अभी आईलेसेस लगेंगे हमारे। तो अभी हमारा लाइनर और आईलेसेस लग चुका है, तो अभी क्या करने वाले आप? अभी मैं प्राइमर लगा रही हूँ। मॉइस्चराइजर ऑलरेडी आपका पहले से हो चुका है। हाँ, तो अभी प्राइमर लग रहा है, ये पोर्स को घटाते हैं तो मेकअप ज़्यादा देर तक रहते हैं। ओके, अभी रात के 11 बजे तक मेकअप चाहिए। अरे आप रात भर भी रखोगे तो रहेगा। तो प्राइमर हमारा पूरा लग चुका है फेस पे, इसके बाद प्राइमर लग गया, अब करेक्टर लग रहा है। ओके, फाउंडेशन लग गया। अब क्या लगा रहे हो आप? ये मैं आपके फेस को हाईलाइट कर रही हूँ। अभी फैन चला, इतना ठंडा लग रहा है, और फैन जब बंद हो रहा है ना तो गर्मी लग रहा है। अब क्या अप्लाई कर रहे हो? अभी कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। ऐसे तो आपका फेस ऑलरेडी छोटू सा है, थोड़ा बहुत कर देती हूँ। तो आप क्या अप्लाई कर रहे हो? अब मैं आपके मेकअप को सेट कर रही हूँ सेटिंग पाउडर से। तो हमारा सब कुछ हो चुका है और ब्लश वगैरह भी लग चुका है, मैं उसका रिकॉर्ड नहीं कर पाई है ना, बस सेटिंग सेट करेंगे आपका। हाँ, मेकअप हम अब फैन के साथ है, फैन ऑन कर रही हूँ मैम। ठीक है, तो अभी हमें लगने वाला है व्हाइट काजल, क्योंकि ब्लैक काजल मुझे लगाना नहीं है। हाँ जी, बहुत लाइट लगाया मैम। हाँ सही है, अभी लिपस्टिक का आउटलाइन हो रहा है, फिर लिपस्टिक लगेगा। हाँ, तो अभी हमारा लिपस्टिक भी लग चुका है, जो कि मुझे बहुत प्यारा लग रहा है ना। आप सच में बहुत प्यारा लग रहे हो। फर्स्ट टाइम मुझे सच अपना सकल फेस मेकअप करने के बाद अच्छा लग रहा है। मैम बहुत अच्छा लगा। अभी हेयर स्टाइल वगैरह होगा ना तो भी अच्छा लगेगा फिर, है ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आप भी बहुत अच्छे हो। थैंक यू मैम। अगर आप लोग को और भी अच्छे से देखना है ना तो आप पूरा लास्ट तक हमारा वीडियो देखना, फिर आपको पता चलेगा। A few moments later, हमारा मेकअप तो पूरा डन हो चुका है, अब हेयर स्टाइल की बारी है ना। तो अभी हमारा हेयर स्टाइल हो रहा है और मम्मी भी आई। मम्मी कैसा लग रहा है? बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी लग रही हो। हाँ, नहीं अच्छी हमारी बहुत ही, उससे ज्यादा ये अच्छी बना। इनका काम ही है कितना भी खराब हो उसका अच्छा बना। यही आ गई हमारा 50वां साल में, याद रखना ऑडियंस। बहुत से भी मैं अच्छी लगूंगी, आप लोग को पता है ना। तो अभी हमारे बाल का हेयर स्ट्रेट हो रहा है ना। हाँ, उसके बाद फिर डिजाइनिंग करेंगे। ऑलरेडी आपका बाल तो बहुत मोटा है, तो क्रिम्पिंग की कोई नीड नहीं है। हाँ, थोड़ा अच्छा और शाइनी दिखे इसलिए मैं थोड़ा स्ट्रेट कर रही हूँ। हाँ, तो अभी हमारा बाल स्ट्रेट हो गया है, कर्ल्स में होगा। हाँ, हमको सॉफ्ट कर्ल्स चाहिए। हाँ, तो अभी हमारा कर्ल हो रहा है और क्रेयॉन्स आकर के सो गया। मैम को सॉफ्ट कर्ल चाहिए तो सॉफ्ट सा हुआ है, ज्यादा हार्ड ऐसा। हाँ, ऐसा नहीं कर रहा है। फिर ना क्या होता है, लेंथ कम हो जाता है, लेंथ भी कम हो जाता है, फिर वो भी खुलने खुली जाता है, फिर और अनटाइडी लगता है। हाँ, ऐसे पहले से ही थोड़ा मैसी सा लगेगा। अच्छा। हाँ, तो ये हमारा हेयर स्टाइल भी हो चुका है, मुझे ऐसा ही चाहिए था, तो इन्होंने ऐसा ही बनाया। और पीछे का लुक मैं दिखा नहीं सकती, आप दिखा दो एक बार। तो ये हमारा हेयर स्टाइल, जो कि मुझे बहुत टाइम से बनाने का मन कर रहा था, क्योंकि बार बार मैं स्ट्रेट करवा लेती हूँ। आप में से बहुत लोग कमेंट भी करते हैं स्ट्रेट ज़्यादा अच्छा लगता है, बट आप में से बहुत लोग कमेंट करते हैं दीदी आपका हेयर स्ट्रेट बहुत अच्छा लगता है, बट इस बार मैंने कुछ अलग ट्राई किया है, तो कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है आप लोगों को। तो अभी थोड़ा बहुत टचअप करना बाकी है,
पूरा लुक आपको बाद में दिखेगा ड्रेस के साथ। A few moments later. तो ये हमारा पूरा मेकअप, हेयर स्टाइल सब कुछ हो गया, बस मैं साड़ी पहन रही हूँ। और साड़ी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं पूरा पहन लेती हूँ, इसके बाद पूरा फुल लुक आपको दिखेगा। ये हमारा पूरा लुक और जो कि इन्होंने किया है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। शायद वीडियो में उतना अच्छा नहीं लगे सामने से, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप लोग भी इनसे करवाना चाहती हैं तो कहीं से भी हैं तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकती हैं, ऑल ओवर इंडिया है ना। मैं ग्लोबली, मैं फ्रीलांसर हूँ तो मैं कहीं भी जाके कर सकती हूँ। और मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर डाल दूँगी और इंस्टाग्राम की भी आईडी डाल दूँगी, तो आप लोग जाकर के इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हैं उनको कॉल करके भी आप इनसे बुकिंग ले सकते हैं। अभी मैं तैयार हो गई हूँ, परिदेव आए नहीं है, वो भी आएंगे तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी दूसरे ब्लॉग में। तो आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कैसी लग रही है। ऐसे तो बहुत प्यारी लग रही है नो डाउट, बट आप लोग भी बता दीजिएगा। आप भी इनकी फैमिली हो ऑफकोर्स। हाँ, तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।